हे गाइस, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज आपको मैं लोखंडवाला का बहुत जगह दिखाने वाला हूँ, पोसीवारा, जो कि लोखंडवाला के ठीक पास में ही है, दोनों आसपास में ही है। तो मैं वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पे लोग ऑडिशन के लिए आते हैं और यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी रहते हैं। तो वो चीज़ को मैं कवर करने वाला हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कौन से जगह पे जो सेलिब्रिटी लोग रहते हैं वो कैसी दिखती है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। और मैं आपको दिखाता हूँ कपिल शर्मा का घर, जो कि कपिल शर्मा और मिक्का पाजी, जो कि आप जानते हो, तो वो दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं। तो वो कौन सा सोसाइटी था वो उस वाली बिल्डिंग में रहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हो उस वाली बिल्डिंग में रहते हैं। तो गाइस, अभी मैं घूमते घूमते पहुंच गया हूँ। साहिर खान का नाम आपने सुना होगा, बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत फेमस है वो, और उन्होंने बॉलीवुड के बहुत सारे फिल्में भी किए हैं। और वो किस बिल्डिंग में रहते हैं वो बिल्डिंग भी मैं दिखाता हूँ आपको, पास में ही है। उस बिल्डिंग का नाम जो है वो बिंडसोर करके नाम है उस बिल्डिंग का, और उसमें और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग रहते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म बनी थी गुड न्यूज़, आपको पता होगा, उसके बहुत सारे सीन उस बिल्डिंग से ली गई है, उस सोसाइटी से ली गई है। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो बिल्डिंग, मैं और करीब से आपको दिखाता हूँ और पास से आपको दिखाता हूँ, उसी बिल्डिंग में साहिल खान रहते हैं और रेमो डिसूज़ा सर, जो कि बहुत ही अच्छे डांसर हैं, तो रेमो सर भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं। और ये भी बहुत ही खूबसूरत और लग्जरी टावर है जो कि आप देख पा रहे हो ठीक मेरे पीछे, जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, इसी बिल्डिंग में साहिल खान रहते हैं और रेमो डिसूज़ा रहते हैं। मैं आपको बैक कैमरा से भी दिखाता हूँ कि वो टावर किस तरीके से दिखती है, वो बिल्डिंग किस तरीके से दिखती है। तो मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। तो गाइस, ये टावर इस तरीके से कुछ दिखता है। और गुड न्यूज़ मूवी आपने देखा होगा अक्षय कुमार की, तो उस मूवी के बहुत सारे सीन इसी सोसाइटी से इसी टावर में ली गई थी, और अच्छी खासी वो मूवी चली थी गुड न्यूज़, जो कि यहीं पे शूट की गई थी। और ये बहुत ही शानदार लोकेशन, इसके ठीक अपोजिट में मीरा टावर है, ये भी बहुत ही फेमस टावर है और इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग रहते हैं, टीवी के आर्टिस्ट रहते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर ठीक देख रहे हो आप, स्टारबक्स भी इस बिल्डिंग के नीचे है। तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्मों की मीटिंग होती है, बहुत सारे फिल्में यहाँ शूट होती है। तो इस तरीके से कुछ लोकेशन है, और ये अंधेरी बेस्ट में ओशीवाड़ा के पास है। तो देख सकते हो आप किस तरीके से ये सोसाइटी दिखती है, और ये मीरा टावर आप देख रहे हो ठीक उसके अपोजिट में, जो कि बहुत ही खूबसूरत टावर। और सामने का कुछ ऐसा नज़ारा। तो गाइस, अभी मैं आपको आगे श्रीजी दिखाने वाला हूँ। श्रीजी एक रेस्टोरेंट है, एक होटल है, जहाँ पे ऑडिशन भी होती है और बहुत सारे फिल्मों की मीटिंग होती है वहाँ पे। तो वो चीज़ें, वो जगह मैं दिखाने वाला हूँ आपको, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहें। और वो भी ओशीवाड़ा में ही है, ओशीवाड़ा, अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ तो, जो कि अंधेरी वेस्ट में पड़ता है। तो वो जगह मैं दिखाने वाला हूँ कि वो कौन सी जगह है, वो एग्जैक्ट कौन सी पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे मूवी और सीरियल के जो ऑडिशन है वो होती है, और वहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारे लोग बैठ के मीटिंग करते हैं। और बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, श्रीजी नाम है। तो वो जगह भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिल्कुल पास से, और अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ उस जगह को। तो आप हमारे साथ इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। और मैं एक ही चीज़ को पता नहीं क्यों बार बार रिपीट करता हूँ, तो इस तरीके से मैं आज आपको दिखा रहा हूँ अंधेरी वेस्ट का ओशीवाड़ा जो लोकेशन है वो। ये पूरी की पूरी एरिया जो है वो ग्लैमर के एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ग्लैमर से जुड़े हुए लोग हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा रहते हैं इस जगह पर, और उनकी वजह से ही ये जो अंधेरी है वो ज़्यादा फेमस है, अंधेरी वेस्ट। और ठीक इस रोड पे अभी मैं लिंक रोड पे चल रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो रोड पे मैं चल रहा हूँ ये लिंक रोड है, और इसके ठीक
जब उस साइड पे आप जाओगे तो बैक रोड भी पास में ही है। शाम के टाइम आप जब भी बैक रोड पे जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे आर्टिस्ट आपको दिख जाएंगे, और वो भी मैं दिखाऊंगा कभी अगर टाइम मिला मैं उधर गया तो वो भी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से दिखता है ये जगह और ये लोकेशन। तो गाइस अभी मैं श्री जी के पास में पहुंच गया हूं, और ये जो आप सर्कल देख रहे हो ठीक इसके कॉर्नर वाली जो सर्कल दिख रही है वहां पे होटल है, ठीक जस्ट कॉर्नर पे ही है। तो ये सर्कल पे अभी रेड लाइट जली हुई है जिसकी वजह से सामने गाड़ियां रुकी हुई है। तो ये जो आप देख रहे हो मेरे सामने ये श्री जी होटल है, और यहीं पे ऑडिशन होती है जो कि सीरियल हो या फिर मूवी हो, बॉलीवुड मूवी हो, साउथ मूवी हो, बहुत सारे मूवी के ऑडिशन यहीं पे होती है। तो ये जो आप सामने देख रहे हो ये श्री जी की होटल है, और इस तरीके से कुछ दिखता है श्री जी। और ठीक इसके पास में हीरापन्ना मॉल है, तो अगर आपको आइडिया नहीं मिले तो आप हीरापन्ना जैसे पूछोगे उसके पास में ही श्री जी दिखेगा आपको। तो इस तरीके से श्री जी का कुछ यहाँ पर किचन एरिया है। मैंने आपको श्री जी रेस्टोरेंट दिखाया, श्री जी होटल दिखाया जहाँ पे ऑडिशन होती है और बहुत सारे फिल्मों की मीटिंग होती है, तो वो जगह मैंने आपको दिखाया। मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये जगह आपको दिखाऊं जो सबसे ज़्यादा फेमस है, और जो लोग एक्टिंग के फील्ड से हैं जिन्हें आइडिया नहीं कि ऑडिशन होती कहाँ पे है, तो उनके लिए ये वीडियो शायद काम आ जाए और वो यहाँ तक यहाँ पे इजी से पहुँच सकें। तो आप कहीं से भी आ रहे हो, चाहे आप मुंबई के किसी भी एरिया में रहते हो, विरार हो, नाला सफारा हो, या फिर गांधीवली हो, जहाँ भी हो आप, अगर आप इस जगह पे जहाँ पे ऑडिशन चलती है श्री जी के पास, और भी बहुत सारे यहाँ पे है, आदर्श नगर के पास में भी बहुत सारे ऑडिशन होती है, अगर आप कमेंट करोगे तो वो भी मैं वीडियो बना दूँगा आपके लिए। बिकॉज मैं अंधेरी में ही रहता हूँ, अंधेरी बेस्ट में ही रहता हूँ, तो मुझे पता है इस जगह के बारे में कि कहाँ पे ऑडिशन होती है और स्टूडियो कहाँ कहाँ पे है, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो आप जहाँ से अंधेरी स्टेशन पे जैसे ही पहुँचोगे तो वहाँ से आप ऑटो लेकर आदर्श नगर जोगेश्वरी के पास पहुँचोगे, और किसी से भी पूछोगे कि श्री जी कहाँ पे है तो वो आपको बता देंगे, हीरापन्ना मॉल के पास में ही है जो कि मैंने आपको दिखाया। और आपकी अगर ऑडिशन वहाँ पे होती है, पता चलता है कि आपकी किसी मूवी या टीवी सीरियल की ऑडिशन वहाँ पे है, तो आप इजी तरीके से वहाँ पे पहुँच सकते हो। आज ये जो आप देख रहे हो वो ओसीबरा पुलिस स्टेशन है, ओसीबरा में जो पुलिस चौकी है वो यहाँ पे है, और ठीक इसके पास में ही श्री जी का जो होटल मैंने दिखाया वो है। तो इस तरीके से कुछ दिखता है। तो गाइस अभी जो मैं आगे आया हूँ ये आदर्श नगर सिग्नल है जो कि आप देख रहे हो। गाइस ये जो जगह देख रहे हो आप ये आदर्श नगर सिग्नल है, और यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडियो हैं जहाँ पे फिल्मों की शूटिंग होती है और ऑडिशन होते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो वो किस तरीके से दिखता है ये जगह। ये ठीक एग्जैक्ट मैं आदर्श नगर सिग्नल के पास हूँ, और अगर आप चाहो तो मैसेज कर सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन से स्टूडियो है जहाँ पे फिल्मों की जो ऑडिशन है वो होती है, जो टीवी सीरियल की ऑडिशन है वो होती है, तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ और उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ। तो आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं कि अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना दूँगा। और बिल्डिंग के नीचे हूँ अभी फिलहाल, और लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ कि लिफ्ट नीचे आए तो मैं ऊपर जाऊँ। अच्छा तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, लिफ्ट में जाओ अंदर। हाँ लिफ्ट आई नहीं है, लिफ्ट आएगा तो जाओगे। ठीक है तो हम भी तुम्हारे साथ लिफ्ट का इंतज़ार करते हैं, और जब लिफ्ट आएगा तो दोनों साथ में जाएंगे। चलो लिफ्ट आ गई। हमारे फ्लोर पर रहते हैं, और आपका नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा हमारे फ्लोर पे रहते हैं और बहुत ही प्यारा बच्चा है, तो अभी हम दोनों साथ में लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं। चाहोगे
वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर से दबा देना। ओह थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में।